राजनांदगांव में पीएससी घोटाले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला जलाया और पीएससी घोटाले के साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की। ये मामला राजनांदगांव का है जहां पीएससी घोटाले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल की शव यात्रा निकालकर सीएम का पुतला दहन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि हमने इस मामले को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी किया। उन्होंने कहा पीएससी में रसूखदार लोगों के परिवार के लोगों का चयन हुआ है, उच्च न्यायालय ने फिलहाल मामले पर रोक लगाई है। भाजपा युवा मोर्चा ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इनमें जो रसूखदार परिवारों के नेताओं के घर के और पीएससी खासकर पीएससी चेयरमैन के जो परिवार के 5-5 सदस्य है उनको लेकर बहुत कड़क टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने इन सभी की नियुक्तियां रोक दी हैं और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मतलब ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के लिए एक तमाचा है भ्रष्टाचार को लेकर कि उच्च न्यायालय तक ये कहना पड़ रहा है कि अब हद हो चुकी है और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसी विषय को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसकी जाँच और हमारी मांग भी है, आग्रह भी है कि इसकी जाँच राज्य सरकार जो करेगी वो तो करेगी लेकिन इसकी जाँच सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।